प्रिय छात्र छात्राओं, आज आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के सवाल समझाए जा रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई पुनः स्टार्ट नई शिक्षा नीति प्रणाली के आधार पर कराई जा रही है, जिसमें प्रश्नावली 1.1 में सवाल हैं, प्रश्न हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है, और Q पूर्णांक जीरो है, और Q पूर्णांक उत्तर देंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q एक गुणांक संख्या है तथा बराबर जीरो और क्यू इज नॉट जीरो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, 3 और 4 के बीच चर परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच चर परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चूंकि 3 और 4 को हर 6 घन 1 अर्थात 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 के हर लेकर परिमेय संख्या के रूप में स्वीकार
परिमेय संख्या के रूप में कितने बार हर की संख्या को छह एक सात लेंगे, जिसमें सात ही होगा, जिसमें तीन बराबर मान को निकालेंगे तीन गुणे, क्योंकि सात अक्षर के एक को जोड़ा सात आ गया और यह सात तीन सात भी होता है, सात बटे सात करेंगे तो मान तीन सते इक्कीस बटे सात आ गया। इसके बाद में चार संख्या मानी, चार बराबर चार गुणे सात बटे सात, चार सते अट्ठाईस बटे सात, तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्याएं इसके सामने देख लेंगे, इक्कीस बटे सात, बाईस बटे सात, तेईस बटे सात, चौबीस बटे सात, पच्चीस बटे सात, छब्बीस बटे सात, सत्ताईस बटे सात, छह परिमेय संख्याएं के नाम बाईस बटे सात हो जाएगी, तेईस बटे सात, चौबीस बटे सात, पच्चीस बटे सात, छब्बीस बटे सात और सत्ताईस बटे सात होगी। इसी प्रकार अगला सवाल है प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन तीन बटे पांच एवं चार बटे पांच चार बटे पांच के बीच पांच परिमेय संख्याएं याद कीजिए, के बीच पांच परिमेय संख्याएं याद कीजिए, तीन बटे पांच और चार बटे पांच के बीच पांच परिमेय संख्याएं याद करना है, जिसमें पांच इसमें टोटल संख्याओं की संख्या पांच है, पांच में पांच में एक जोड़ेंगे छह आ जाएगा, जिसमें तीन बटे पांच एवं चार बटे पांच को उनके हर एवं अंश को तीन बटे पांच और चार बटे पांच को उसके हर एवं अंश पांच धन एक, पांच धन एक अर्थात छह से गुणा करने पर अर्थात छह से गुणा करने पर तीन बटे पांच है, तीन बटे छह का गुणा करेंगे पांच गुणी छत्री अठारह, पांच छ का बीस, इसी प्रकार चार बटे पांच करने देंगे चार गुणी छह बटे पांच गुणी छह, चार छम चौबीस बटे छह चौको छह पंचे तीस। अब ये अठारह तीन बटे पांच के बीच में गुणा करने पर आपको भर में छह का गुणा किया, जिसमें छत्री अठारह छह पंचे तीस आ गया, चार बटे पांच में भी अंश और हर दोनों के साथ में छह छह का गुणा करने पर चौबीस बटे तीस आ गया, इसलिए तीन बटे पांच और चार बटे पांच के बीच पांच परिमेय संख्याएं अठारह बटे तीस के अंदर पांच परिमेय संख्याएं निकालेंगे,
20 बटे 30 21 बटे 30 21 बटे 30 22 बटे 30 एवं 23 बटे 30 ये 3/5 और 4/5 के बीच 5 बड़ी संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका उत्तर देना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा नंबर है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत और असत क्यों कर देना है? सत है क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं समाहित हैं, सभी प्राकृत संख्याएं समाहित हैं। दूसरे का उत्तर दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। तीसरे का उत्तर
प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है क्योंकि एक बटे दो एक ही परिमेय संख्या है। लेकिन